अरे इस पल्सर बाइक में जो 2024 में लॉन्च किया गया, सबसे ज्यादा मुझे यूनिक ये लग रहा है कि इसमें जो साइलेंसर दिया गया है, तो पीछे भी साकर लगा है, पीछे भी आपका लगा हुआ है साकर। ये आपका मोनो सस्पेंशन साकर है, ये आपका जो है नई आई इसमें इसका जो साकर है गोल्डन कलर का साकर। जय हिंद दोस्तों, एक बार हम फिर से आ चुके हैं एक नया शोरूम में और आज की इस वीडियो में आपको रिव्यू कराने वाला हूँ पल्सर बाइक का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे बाइक यहाँ पे रखी हुई है पल्सर कंपनी का, पर मैं आपको एक नया जो बाइक 2024 में लॉन्च हुआ है, अभी ये ट्रेंडिंग बाइक है, आप देख सकते हैं ये पल्सर की न्यू बाइक आई है 160 सीसी का। यहाँ पे इसका लुक देखिए भाई, यहाँ पे आप सामने से एकदम ओसम लग रहा है, और यहाँ पे सामने से जब आप फ्रंट में इसको देखेंगे तो इसका भाई लुक देखिए भाई, यहाँ पे पूरा गोल्डन कलर का यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए भाई यहाँ पे, ये देखिए, और इसका यहाँ पे लाइट देखिए भाई, ये डायमंड कलर में आया है। तो इसका जो फीचर्स नया अभी 2024 में नया मॉडल पल्सर बाइक में लॉन्च हुआ है, तो सिंपली चलेंगे सर से बात करेंगे। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार चौरसिया नाम है मेरा। सर अभी हम देख रहे हैं आपके शोरूम पर बहुत सारी पल्सर आई हुई है, और अभी 2024 का कोई न्यू मॉडल का पल्सर आया है? हाँ, N160 आया है, N160 आया। अच्छा सर, तो सर इसमें क्या खासियत रहा है जो लोग इसको ज्यादा परचेज कर रहे हैं? इसमें आपकी 160 N आई है, अभी नई आई है। अच्छा, ये अभी नया आया मार्केट में? ये आपका जो है नई आई, इसमें इसका जो साकर है गोल्डन कलर का साकर है। अच्छा, साकर में आपका चेंज कर दिया गया है, ऊपर से ये आपका जो पहले साकर ऊपर से नीचे ब्लिंक करता था, अब ये नीचे हो गया है। ठीक है। अच्छा सर, तो जो ये पहले गाड़ियां आती थी उस साइमन गोल्डन कलर का ये साकर था, पहले ये नहीं आता था? नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ इस तरीके से साकर आता था पूरा, पर अब नए लुक में बना दिया है, ये आपका गोल्डन कलर दे दिया है। हाँ। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप इसके एक लाइट दे दिया गया है, जिससे कि जब गाड़ी का दूसरा लाइट इस पे पड़ेगा तो ये चमकेगा। और इसके बाद सर यहाँ पे हमारी गाड़ी में क्या लुक नया बनाता है? ये आपकी एलईडी लाइट है ये। अच्छा सर, ये एलईडी लाइट? हाँ जी, ये आपका DRL है। अच्छा, ठीक है, ये आपका 200 मीटर तक जाएगा। अच्छा, इसका रोशनी 200 मीटर तक जाएगी। हाँ, यहाँ पे आप इसके और जो लाइट का बनाया गया है पूरा डायमंड कलर में बनाया गया है, इसका लुक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। जब आप रात में लेके निकलेंगे उसका लुक देखिए भाई, यहाँ पे किस तरीके से डायमंड कलर में बनाया गया है, और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा जब यहाँ पे आप प्लेट लगाएंगे। प्लेट लगाने के बाद इसका लुक बहुत ही ओसम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आइए भाई, कैमरा मैन यहाँ पे फोकस कीजिए, ये पूरा डिस्प्ले दे दिया गया है। अब आपको फोन निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आप फोन लिए हैं और आपके मोबाइल पर कोई भी फोन आता है तो ये आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल पर किसका फोन आ रहा है। ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी फोन हो तो आप उठा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही रखे हुए रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ब्लूटूथ सिस्टम दे दिया गया है। क्यों सर जी? हाँ, ब्लूटूथ दिया हुआ है, ये आपका जो बटन दिए इस पे जो है आपका जो लिंक करेंगे। अच्छा, तो ये आप आगे बढ़ेंगे तो इस पे सब कुछ दिखेगा, ये फ्यूल का दिखेगा आपका, ये आपका यहाँ पे जब ब्लूटूथ कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे दिखेगा कनेक्ट। ठीक है, ये आपका कितने गियर पे गाड़ी चल रही वो दिखेगा आपका, ये यहाँ पे टाइम सेटिंग का है। अच्छा सर, यहाँ पे आप ये टाइम सेटिंग का है, यहाँ से होगा? हाँ, ये बटन से। अच्छा, यहाँ पे आप लिंक करते जाएंगे तो हो जाएगा, और इसी के माध्यम से सारा कुछ सेट कर सकते हैं। अगर आप एक बार ब्लूटूथ पकड़ा लेते हैं उसके बाद आपके मोबाइल में जो भी एक्टिविटी हो रहा है यहाँ पे सारा चीज शो करेगा। ठीक है, किसका फोन आ रहा है, किसका कट रहा है, किसका मैसेज आ रहा है, सब कुछ इसी डिस्प्ले में शो करेगा। और गाड़ी जब आप चलाते हैं तो उसका कितना स्पीड होता है तो यहाँ पे ये शो करेगा सर। ठीक है, स्पीड शो करेगा, इस पे कितने गियर पे चल रही वो शो करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे गियर लगाते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप गियर लगाते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा शो करेगा कितना गियर लग चुका है, क्योंकि क्या होता है बहुत सारी गाड़ियों में ये डिजिटल मीटर नहीं दिया रहता है, तो वो गियर लगा लेते हैं, अब उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि यहाँ पे एक गियर लगा है, दो गियर लगा है, तीन गियर लगाते हैं, तो बाद में पता चलता है भैया आप तो तीन गियर लगा चुके हैं। और कहीं जब भीड़ में जाते हैं तो ऑटोमेटिक गाड़ी चलता बंद हो जाता है, धीमे बंद हो जाती है, यहाँ पे सब कुछ बता देगा और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारे गाड़ी में कितना गियर लगा हुआ है। और सर यहाँ पे हमारा जो पल्सर बाइक है 160 सीसी का, नया लुक क्या बनाता है? नया लुक में आपका जो है ये आपका चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा सर, इसमें चार्जिंग पॉइंट भी दिया? चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है आपका, ये आपका जो टंकी का स्टिकर है ये अभी नए लुक में आया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कैमरा बना देखिए किस तरीके से ये पल्सर को यहाँ पे लिखा गया है, और इसका लुक बढ़ाने के लिए यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये आपके स्टिकर का है। अच्छा, स्टिकर आपका अभी नए लुक में आई हुआ है, जिसने रेड ब्लैक रेड स्टिकर में आपका जो दिख रहा है। और सर आपने जो जाली दिया है ये एयर के लिए है आपका? अच्छा सर, एयर के लिए। हाँ,
यहाँ कूलेंट लगा हुआ है यहाँ पे आपका, देखिए यहाँ पे कूलेंट की वजह, हाँ ये कूलेंट लगा हुआ है, इंजन आपका हीट होता है गाड़ी चलाने से, तो ये कूलेंट लगा हुआ है जिससे आपकी गाड़ी ठंडी होती रहेगी, गाड़ी आपकी गाड़ी इंजन हीट नहीं होगा आपका। जो डबल कूलिंग लगाया गया यहाँ पे लगाया गया है जिससे कि हमारा इंजन जो है वो गर्म ना हो, और दूसरा यहाँ पे लगाया गया है, तो यहाँ पे आप देखते हैं इससे क्या होगा, जो हमारा इंजन है आप चाहे 100 किलोमीटर चाहे 200 किलोमीटर कंटिन्यू चलाते रहिए, आपका गाड़ी आपका इंजन कभी भी गर्म होगा नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे डबल कूलिंग लगा दिया गया है। टॉप स्पीड आपकी 135-40 तक जाएगी। अच्छा सर, 135 से 40 के बीच, हाँ जी सर। 160 cc का आपका इंजन है जी सर। सर इसका जो यहाँ पे फ्यूलिंग हम भरवाते हैं, फ्यूलिंग आपकी 14 लीटर की है, 14 लीटर की टंकी है, 14 लीटर टंकी है, तो अगर आप एक बार भरवा लेते हैं तो काफी दूर तक जाएंगे। सर यहाँ पे जो हमारा साकर है, तो हमारा साकर यही है, हाँ ये साकर है आपका। अच्छा। तो पीछे भी साकर लगा है, पीछे भी आपका लगा हुआ है साकर, ये आपका मोनो सस्पेंशन साकर है, इस पे आप 2 लोग 3 लोग बैठते तो आपका ब्लिक बढ़िया से करेगा जी सर। यहाँ पे आप देखिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कहीं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, गड्ढे गुड्ढे गाँव की आप सड़कों पे आप लेके जाते हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी पीछे बैठने वालों के लिए। आगे पीछे दोनों साकर लगा दिया गया है अरे इस पल्सर बाइक में जो 2024 में लॉन्च किया गया है, सबसे ज्यादा मुझे यूनिक ये लग रहा है कि इसमें जो साइलेंसर दिया गया है, तो भाई आप देखो किस तरीके से यहाँ से मोड़ के निकाला गया है, और यहाँ पे देखिए भाई इस तरीके से यहाँ पे साइलेंसर को नीचे लगा दिया गया है, जिससे कि क्या होगा अगर बड़ा साइलेंसर होता है तो कई बार आपका पैर भी जल जाता है, पर यहाँ पे छोटा साइलेंसर दे दिया गया है, और ये क्या होता है कि इससे आपका ना तो पैर जलने की दिक्कत होती ना तो और कोई प्रॉब्लम आती है, और अगर जिससे कि आपका आप सोचते हैं भाई यहाँ पे साइलेंसर लगा है तो हमारा इंजन भी गर्म होगा, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए कूलिंग दिया गया है, 2-2 कूलिंग दिया गया है, इससे आपके इंजन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे इस सीटर देखिए भाई यहाँ पे सीटर दिया है, डबल सीट का बनाया गया है, आप इस पे आराम से 2 से 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, देखिए भाई यहाँ पे किस तरीके से बनाया गया है, और यहाँ पे देखिए ये सीटर जो यहाँ पे बैठने के लिए बनाया गया है, इससे क्या होता है कि बहुत सारी गाड़ियों में देखते हैं ये फुला दिया जाता है, ठीक है, पर बैठने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ पे इस पल्सर में इस तरीके से बनाया गया है, अगर आप इस पल्सर गाड़ी पर बैठते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं लाइक जिसे यहाँ पे बैठ चुका हूँ, अब यहाँ पे अगर इस तरीके से बनाया रहेगा तो हम आराम से ब्रेक लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए गियर लगा सकते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, बट अगर ये अच्छा बड़ा सा फुला रहेगा तो यहाँ पे इस तरीके से पैर करके बैठना पड़ता है, जिससे कि आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और ब्रेक लगाने में भी प्रॉब्लम होती है, तो इस गाड़ी में एक नया लुक बना दिया गया है जिससे कि आप चलाते रहिए आपको ना तो पैर दर्द होगा ना तो कुछ भी दर्द करेगा, तो इसलिए यहाँ पे बनाया गया है। और इसका जो शीशा का मॉडल देखिए भाई किस तरीके से यहाँ पे बना दिया गया है, शीशा का मॉडल देखिए भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से बनाया गया है और एकदम यूनिक में, ठीक है, तो पल्सर बाइक एक ऐसी गाड़ी है कंपनी है जो नया नया लुक अपने गाड़ी में लाता रहता है, ठीक है, पहले गाड़ी में देखेंगे भाई उसका जो यहाँ पे शीशा लगा होता है कुछ दूसरा लुक था, बट अब जो पल्सर 2024 में नया नया मॉडल लॉन्च कर रहा है तो उसमें ना कुछ चेंजिंग करता रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अभी मैं सर से पूछूंगा, सर इसका जो प्राइस है तो इसका प्राइस कितना है, तो सर यहाँ पे आप जरा बताएंगे सर इसका जो प्राइस है, अगर कोई कस्टमर लेना चाहता है तो उसका प्राइस कितना होगा? इसकी प्राइस आपकी 172,500 रुपए है। अच्छा, आपको ऑन रोड पे मिलेगा। अच्छा, गाड़ी के साथ में आपको रजिस्ट्रेशन रहेगा प्लस 5 साल का इंश्योरेंस रहेगा, जो 1 साल का इंश्योरेंस रहेगा आपका 0 डेप रहेगा, 4 साल का थर्ड पार्टी रहेगा जी सर। तो सर यहाँ पे जो अगर गाड़ी कोई कस्टमर लेता है तो कागज बनने में कितना समय लगता है? कागज बनने में आपको ज्यादा ज्यादा 15 मिनट यहाँ लगता है, रजिस्ट्रेशन होते होते आपका 15 दिन लग जाएगा। अच्छा सर, तो सर यहाँ पे अगर मान लो कोई कस्टमर आता है उसके पास पूरा पैसा नहीं होता है तो कितने पैसे में आप इस गाड़ी का मालिक बना देंगे? हम 95% फाइनेंस कर देते हैं। अच्छा, लगभग जी सर, लेकिन कस्टमर की सिविल खराब है तो उसपे हम थोड़ा सा लोन कम कर पाते हैं। अच्छा सर, तो 75% तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता जी सर। तो कितना पैसा मैं आपको पेड कर दूं आप इस गाड़ी की मुझे मालिक बना दूं? मैं 25,000 रुपए में गाड़ी दे दूंगा। तो अगर मैं आपको 25,000 रुपए दे देता हूँ तो आप इस गाड़ी का मालिक बन जाएंगे? हाँ,
तो आप समझ सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ये चमचमाती पल्सर बाइक का आप अगर लेना चाहते हैं तो आप मात्र 25,000 रुपए में आप इस गाड़ी का मालिक बन सकते हैं। तो देर किस बात की, अगर आप लेना चाहते हैं तो सर से मैं एड्रेस पूछता हूँ, तो सर यहाँ का प्रॉपर एड्रेस क्या होगा? प्रॉपर आपका एड्रेस है यहाँ पे 6B/1 चक्रवनाथ मिर्जापुर रोड इलाहाबाद, नियर सब्जी मंडी आपका यहाँ पड़ेगा। जी सर। हाँ तो सर ने अभी एड्रेस बता दिया है, तो मैंने गाड़ी का पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको इस गाड़ी को लेना है तो मैं आपको नंबर दे दूंगा सर का, तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। बाकी मैं लोकेशन यहाँ पे मैपिंग कर देगा, आप लोकेशन को ट्रैक करके आप यहाँ इस शॉप तक विजिट कर सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।